और मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ में हुई दिन दहाड़े फायरिंग, साथ ही आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर एटीएम में नोट डाल रहे कर्मचारियों से हुई 60 लाख की लूट। इस लूट को 5 लुटेरों ने दिया अंजाम। चित्तौड़गढ़ शहर में प्रताप नगर स्थित एसबीआई के एटीएम में जब दो कर्मचारी एटीएम में नोट डाल रहे थे, तभी अचानक पहुंची स्विफ्ट गाड़ी और उसमें सवार 5 लोगों ने उन दोनों कर्मचारियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और उनके विरोध करने पर फायरिंग भी की गई। लगभग 60 लाख जो कि बैग में रखे हुए थे उसे लेकर फरार हो गए। वहीं सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों से पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के साथ ना तो कोई गनमैन था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। साथ ही पुलिस का कहना है कि गाड़ी के नंबर को ट्रेस किए गए हैं और उनकी छानबीन जारी है। बहरहाल 60 लाख की बड़ी लूट के बाद चित्तौड़गढ़ में हड़कंप मच गया है। शहरवासी दहशत में हैं। मौके पर लाल मिर्च पाउडर और फायरिंग के खोल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल भी मौके पर पहुंचे। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। चार पांच लोग थे, किस पे आए थे? गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर लेट नहीं थी, तो मिर्च डाली डिजायर थी। एक गाड़ी के नंबर आए हैं, गाड़ी भी आई है, तो पूरे जिले में और रेंज में नाकाबंदी कराई। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।